जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए पहले भये प्रणाम तिन नमो जो अगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देगा, सब अपने से लागेंगे, अपने से दिखाई देंगे। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, तभी तक हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को अश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता है कि हम धर्म को भी अच्छा और बुरा कहते हैं। धर्म तो अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं। और जो व्यक्ति धार्मिकता से गिर जाते हैं वो बंदे धर्मी नहीं होते। धार्मिकता के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर एक, तमाकू सेवन नहीं करें। नंबर दो, मांस नहीं खावे। नंबर तीन, शराब नहीं पीनी चाहिए एक धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, धर्मी पुरुष को। चोरी नहीं करनी चाहिए, डाके नहीं डालने चाहिए, जारी पर स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए, रिश्वतखोरी, जीव हिंसा, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। इन धर्म के नियमों का जो पालन करता है वो धर्मी व्यक्ति है, वो धर्म आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। इनका जो पालन नहीं करता है वो किसी भी धर्म में रह रहा है वह व्यक्ति धर्मी नहीं है, वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो धर्म की उन मर्यादाओं को भंग किए हुए हैं। एक भक्त ने एक मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने। उस भक्त ने इस दास से कहा कि मैंने उस मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने, उनकी सीडी मंगाई, सीडी देखी, डीवीडी, वीडियो, और उसने एक चैनल भी चला रखा है पीस चैनल के नाम से, और इंटरनेट के अंदर एक यूट्यूब नाम का कोई इंटरनेट सिस्टम है, उसके अंदर भी उसकी वीडियो डाली गई है। उस श्रद्धालु भक्त ने इस दास को कहा कि मैं कुछ उनकी सीडी लाया हूँ, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तक भी हैं,
वो सभी मुझ दास को दी और कहा कि आप उस पर कुछ विवेचन करें। उसने दावा किया है कि मैंने लगभग हिंदुस्तान के अंदर 30-40 हजार हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमने चाहे मुसलमान बनना पड़ो, चाहे हमने हिंदू बनना पड़े, चाहे सिख बनना पड़े, चाहे ईसाई बनना पड़े, हमने बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष अति आवश्यक है। आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है, जब तक ये परमात्मा से नहीं मिलेगी इसको संतोष नहीं हो सकता। इस दास ने वो सीडी देखी, डीवीडी देखी, सुनी उस मुसलमान प्रवक्ता श्रद्धालु की पुस्तक भी लिखी हुई पढ़ी। उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी धर्म को जानने के लिए ये मत देखो कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा उस धर्म की उन होली बुक्स को देखो, पवित्र पुस्तकों को पढ़ो और उसी को आधार मान के फिर आप समझो कौन से धर्म में वो पवित्र पुस्तक क्या बोल रहे हैं, उसको आधार मानकर चले। एक और अच्छा विवेचन दिया है कि जिस भी गॉड की, अल्लाह की, भगवान की आप उपासना कर रहे हैं तो पहले कम से कम ये जांच लो कि वो परमात्मा है भी कि नहीं, उसके बाद फिर पूजा, साधना, उपासना, इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके बिना अगर कोई साधना करता है बगैर किसी जांचे तो वो डगमग व्यक्ति है। उसको फिर बाद में कोई बहका सकता है कि आप, आपका इष्ट, आपका अल्लाह, आपका भगवान ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो वो डगमग हो जाएगा। जब तक स्वयं दृढ़ नहीं होगा, अपने धर्म की पुस्तकों से या अन्य धर्म की पुस्तकों से वो निर्णय नहीं कर लेगा, तुलना नहीं कर लेगा कि आप जिस अल्लाह या खुदा भगवान की पूजा कर रहे हो वो भगवान अल्लाह गॉड है भी के नहीं।